नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हमारा यूनिट 9 का टाइप्स वाला टॉपिक रहेगा, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आज बात करेंगे कि कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो इनमें भी इनके चार प्रकार हैं, उन चारों प्रकारों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा संबंधों के आधार पे। इनके चार टाइप्स हैं, चार तरह से इन्हें वर्गीकृत किया गया है, जिनमें पहला है संबंधों के आधार पर। संबंधों के आधार पे देखा जाए तो इसके अलग टाइप्स हैं। चैनल के आधार पे अलग है, उद्देश्य और शैली के आधार पे अलग है, और दिशा के आधार पर अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संबंधों के आधार पर। संबंधों के आधार पर रिलेशनशिप्स उनके बारे में देखेंगे, एलिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं संबंधों के आधार पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले है संबंधों के बारे में कि इसमें चार तरह से डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले इसके आधार पे देखें तो अवैयक्तिक संप्रेषण आता है। अवैयक्तिक क्या होता है? इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल में क्या रहेगा? इम्पर्सनल, ठीक है। इसमें जो है अपने आप में विचार करना, यानी अपने आप से, खुद से आत्मचर्चा करना, आत्मविचार करना, या विचार मंथन हो गया आत्म, तो वो सारी चीज़ें जो है इम्पर्सनल में आएगा, जो खुद से वार्ता करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इम्पर्सनल, जैसे विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इम्पर्सनल में आ जाएगा, अवैयक्तिक संप्रेषण में, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन होता है, जो खुद से बातचीत करते हैं, खुद से विचार विमर्श करते हैं। फिर दूसरा आता है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति के बीच का संपर्क होना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरपर्सनल, ठीक। तो इसमें भी ये भी कम्युनिकेशन है। संबंधों के आधार पर देखा जाए तो चार आते हैं, अवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संप्रेषण और जन संप्रेषण। तो सबसे पहले अवैयक्तिक संप्रेषण में क्या होता है? इम्पर्सनल, यानी खुद से बातचीत करना। बस इतना ध्यान रखना है कि खुद से वार्तालाप, चाहे वो विचार मंथन हो, विचार विमर्श हो, आत्मचिंतन हो, कुछ भी हो सकता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल यानी दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, उनके बीच का की वार्ता जो हो रही है, सिर्फ दो लोगों के बीच की वार्ता हो रही है, वो इंटरपर्सनल कहलाएगा। फिर आता है समूह संप्रेषण। समूह संप्रेषण क्या है? ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप में क्या रहता है? कई सारे लोग होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो वो सब इसमें फीडबैक भी होता है। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें फीडबैक भी होता है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसका फीडबैक भी कितना अधिक मिलेगी, इन सबको जो है देखना है। तो इसमें क्या होता है? जहाँ दो से अधिक व्यक्ति विचारों और कौशल का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जो भी स्किल्स है, थिंक है, उन सबको आपस में आदान प्रदान करते हैं। समूह संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जैसे इसमें सामूहिक निर्णय लेने, आत्म अभिव्यक्ति, जैसे सेल्फ एक्सप्रेशन, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर बात करते हैं जन संप्रेषण, इसी का लास्ट है रिलेशनशिप एलिमेंट में जन संप्रेषण, जिससे हम बोलेंगे मास कम्युनिकेशन, ठीक है। मास कम्युनिकेशन ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है, काफ़ी बड़े लेवल पे। जन संप्रेषण इसमें क्या होता है? इसमें मास मीडिया, ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आधुनिक युग में जन संप्रेषण काफ़ी प्रचलित है। इसका निर्माण दो शब्द जन और संप्रेषण, ठीक है, जन और संप्रेषण से हुआ है, ठीक है, इनके मिलने से हुआ है। जन संप्रेषण का अर्थ विशाल जन समूह के साथ संप्रेषण करने से होता है। इसमें जैसे क्या आ जाएगा? समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, ये इंटरनेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें जन संप्रेषण के अंतर्गत आएगी। तो अभी हमने संबंधों के आधार पे देखा है, अब
एक एक करके एक एक वीडियो में डिवाइड करके देखेंगे ताकि अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। तो अभी तक हमने इस संबंधों के आधार पे इस वीडियो में देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैनल के आधार पे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।